रहे हैं गुड न्यूज टुडे और आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकुटी। वक्त हो गया है फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालने का जीएनटी एक्सप्रेस में। आज 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है देश। दिल्ली के राजपथ पर होगा मुख्य कार्यक्रम, परेड में दिखेंगे हिंदुस्तान का शौर्य। गणतंत्र दिवस परेड की जोरदार तैयारी, शौर्य से लेकर संस्कृति तक की दिखेगी झलक। परेड में 75 लड़ाकू विमान भरेंगे उड़ान, इस बार होगा अब तक का सबसे भव्य फ्लाईपास्ट। छब्बीस जनवरी के लिए छावनी में तब्दील हुआ लाल किला, दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती। गणतंत्र दिवस से पहले रोशन हुआ राष्ट्रपति भवन, ड्रोन की मदद से रोशन किया जा रहा है लुटियन दिल्ली का आसमान। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्र के नाम दिया संदेश, कहा पूरी दुनिया में हमारी गणतंत्र की सराहना। सुभाष चंद्र बोस को याद करते हुए राष्ट्रपति ने कहा नेताजी हमारे देश के लिए प्रेरणा स्रोत। और भारत को गौरवशाली बनाने की स्वाधीनता के लिए उनकी ललक और भारत को गौरवशाली बनाने की उनकी महत्वाकांक्षा हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सहित देश के सपूतों को राष्ट्रपति ने किया याद, कहा बापू ने दिया है रचनात्मक कार्य करने का संदेश। कोरोना से जंग लड़ रहे देशवासियों में राष्ट्रपति ने भरा उत्साह, बोले देश में टीकाकरण अभियान बना जन आंदोलन। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश के सर्वोच्च सम्मानों की घोषणा, चार लोगों को मिलेगा पद्म विभूषण सम्मान। मरणोपरांत सीडीएस जनरल बिपिन रावत पद्म विभूषण से होंगे सम्मानित, सूची में कल्याण सिंह का नाम भी शामिल। राधेश्याम खेमका प्रभा अत्रे भी पद्म विभूषण से किए जाएंगे सम्मानित, 17 लोगों को मिलेगा पद्म भूषण सम्मान। वैक्सीन निर्माता भी होंगे सम्मानित, साइरस पूनावाला, कृष्णा इला और सुचारिता इला को पद्म भूषण। 107 लोगों को मिलेगा पद्मश्री सम्मान, पद्मश्री सम्मान वाले पाने वाले में नीरज चोपड़ा और सोनू निगम भी शामिल। गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर देश के सपूतों के लिए सम्मान की घोषणा, ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने वाले नीरज चोपड़ा होंगे परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित। सैन्य पुरस्कार है परम विशिष्ट सेवा मेडल, 1960 में किया गया था पुरस्कार का गठन। 384 लोगों को वीरता पुरस्कार का ऐलान, राष्ट्रपति ने पुरस्कारों की सूची को दी मंजूरी। देश के 12 सपूतों को शौर्य चक्र, 29 पर परम विशिष्ट सेवा मेडल का ऐलान। कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए 14 रणबांकुरों को मिलेगा वायुसेना पदक, 122 लोग विशिष्ट सेवा मेडल से होंगे सम्मानित। दिल्ली सरकार ने मनाया गणतंत्र दिवस समारोह, सचिवालय में अरविंद केजरीवाल ने फहराया तिरंगा। गणतंत्र दिवस को लेकर जम्मू में उत्साह का माहौल, एलजी मनोज सिन्हा मौलाना आजाद स्टेडियम में फहराएंगे तिरंगा। गणतंत्र दिवस के लिए कश्मीर घाटी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, हाई अलर्ट पर है सुरक्षा एजेंसियां। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर श्रीनगर में मनमोहक दृश्य, रंग बिरंगी रोशनी में नहाया लाल चौक का घंटाघर। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश की सीमाओं पर जश्न, बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ ने सरहद पार के जवानों को खिलाई मिठाई। 26 जनवरी को लेकर गुजरात सीमा पर अलर्ट, सुरक्षा बलों ने बढ़ाई पेट्रोलिंग, क्रीक सीमा पर खास पहरा। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सुरक्षा के सख्त इंतजाम, गणतंत्र दिवस को लेकर कड़ी की गई सुरक्षा। गणतंत्र दिवस को लेकर पुंछ के सीमावर्ती इलाकों में बेहद सख्त सुरक्षा के इंतजाम, आने जाने वाली गाड़ियों की हो रही है चेकिंग। 26 जनवरी के लिए आईटीबीपी के जवानों ने तैयार की खास दौड़।
राजपथ पर दिखेगी हिंदुस्तान के 73 सालों की शौर्य गाथा। इस बार डीआरडीओ की झांकियां भी होंगी शामिल। झांकियों में लड़ाकू विमान तेजस का दिखेगा दम। दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में अब नहीं लगेगी नेताओं की तस्वीरें। केजरीवाल ने किया बाबा साहेब अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह की फोटो लगाने का ऐलान। दिल्ली में लगातार घट रहे कोरोना के मामले, जल्द हटाई जा सकती है पाबंदियां, केजरीवाल ने दिए संकेत। एलजी साहब बहुत अच्छे हैं, वो आपकी सेहत और आपकी जिंदगी के लिए चिंतित हैं। गौतम गंभीर भी हुए कोरोना संक्रमित, ट्वीट के जरिए लोगों को दी जानकारी। 24 घंटों में दिल्ली में आए 6000 से ज्यादा नए कोरोना संक्रमण के मामले, 10.55% हुई कोरोना की संक्रमण दर। हरियाणा में 1 फरवरी से खुलेंगे 10वीं 11वीं और 12वीं के स्कूल, कोविड नियमों के पालन के दिए गए निर्देश। मुंबई में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार, पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 1800 नए मरीज। गौतम बुद्ध नगर में 24 घंटे के भीतर 1373 लोग हुए संक्रमित, 1673 लोगों ने दी कोरोना को मात। बिहार में दर्ज हुए कोरोना के 2362 मामले, अब तक 14000 से ज्यादा एक्टिव केस। केरल में मिले 55000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के नए मामले, तिरुवनंतपुरम में मिले 8606 नए मरीज। देश में कोरोना की रफ्तार में कमी, कल आए 255874 केस। देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 22,36,000 पहुंची। देश में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 15.52%, ठीक होने की दर 93.15% के पार। तेजी से ठीक हो रहे हैं कोरोना के मरीज, एक दिन में 2,67,000 से ज्यादा लोगों ने दी कोरोना को मात। कोरोना से जंग में टीकाकरण की तेज रफ्तार, 162 करोड़ लोगों को लगा टीका। पंजाब चुनाव के लिए प्रचार करेंगे राहुल गांधी, 27 जनवरी को जालंधर में वर्चुअल करेंगे रैली। पंजाब चुनाव में प्रचार करने पहुंचे मनोज तिवारी, केजरीवाल पर जमकर साधा निशाना। नहीं, हम तब तक नहीं आते जब तक वो दिल्ली मॉडल नहीं कहते। अगर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली मॉडल हम लाएंगे, तो हम दिल्ली मॉडल तो बताएंगे। सिरसा में डेरा सच्चा सौदा के कार्यक्रम में उमड़ी भीड़, आशीर्वाद देने पहुंचे पंजाब के कई उम्मीदवार। हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी की कोशिशें तेज, अमृतसर पुलिस की छापेमारी। 2 फरवरी से चुनाव प्रचार शुरू करेंगी मायावती, आगरा में होगी बीएसपी सुप्रीमो की पहली रैली। बीजेपी उम्मीदवारों के नामांकन से पहले हरिद्वार पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, मां गंगा की पूजा के बाद आए कलेक्ट्रेट। समाजवादी पार्टी ने जारी की 39 उम्मीदवारों की नई लिस्ट, गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी महाराजी प्रजापति को अमेठी से मैदान में उतारा। पूर्व मंत्री पंडित सिंह के भतीजे सूरज सिंह को गोंडा से टिकट, राकेश सिंह को गौरीगंज और अयोध्या से राम जन्मभूमि जमीन विवाद का मामला उठाने वाले पवन पांडे को बनाया उम्मीदवार। यूपी के चुनावी दंगल में बड़े चक्रव्यूह की तैयारी में है बीजेपी, कांग्रेस के स्टार प्रचारक की लिस्ट में रहे आरपीएन सिंह ने थामा पार्टी का दामन। बीजेपी में शामिल होने के बाद आरपीएन सिंह ने जमकर की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ, कहा उनके सपने को पूरा करने के लिए सब कुछ करूंगा। बीजेपी में शामिल होकर आरपीएन सिंह ने कांग्रेस पर किया हमला, बोले न अब वो पार्टी है और ना ही वो सोच। ईमानदारी से, लगन से मेहनत किया, परंतु जिस पार्टी में इतने साल रहा वो अब वो पार्टी रह नहीं गई जहां मैंने शुरुआत की थी, और ना तो वो सोच रह गई। आरपीएन सिंह के बीजेपी में आने से कांग्रेस आग बबूला, सुप्रिया शनेत बोली कायरों के भरोसे नहीं है पार्टी। आई है।
ये सिद्धांतों की लड़ाई है। इसको लड़ने के लिए भूता चाहिए, इसको लड़ने के लिए वीरता चाहिए, साहस चाहिए। और जैसा कि प्रियंका जी कहती है, कायर इस लड़ाई को लड़ नहीं सकते। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ बड़ा हथियार हो सकते हैं आरपीएन सिंह, पडरौना से टिकट दे सकती है बीजेपी। पडरौना में आरपीएन सिंह से दो दो हाथ करने के लिए तैयार हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, बोले तय है उनकी हार। वहां जो भी आएगा वो हारेगा, समाजवादी पार्टी कैंडिडेट जीतेगा। आरपीएन सिंह को धर्मेंद्र प्रधान ने दिलाई पार्टी की सदस्यता, यूपी के दोनों डिप्टी सीएम और बीजेपी के यूपी अध्यक्ष भी रहे मौजूद। बीजेपी में शामिल होने के बाद अमित शाह से मिले आरपीएन सिंह, जेपी नड्डा और सीएम योगी रहे मौजूद। आरपीएन सिंह के बीजेपी में शामिल होने के बाद पडरौना में जश्न, समर्थकों ने जमकर की आतिशबाजी। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी थे आरपीएन सिंह, सूबे के कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा संगठन पर नहीं होगा कोई असर। समाजवादी पार्टी की लिस्ट पर तेज हुआ सियासी संग्राम, सीएम योगी आदित्यनाथ बोले खुद को समाजवादी कहने वालों की नस नस में है तमंचावाद। समाजवादी पार्टी की लिस्ट पर केशव प्रसाद मौर्य ने भी साधा निशाना, बोले अपराध, दंगा और भ्रष्टाचार की बंद फैक्ट्री शुरू करने का संदेश है ये लिस्ट। गलत की सजा जनता इनको 10 मार्च को जब वोटों की गिनती होगी तो समाजवादी पार्टी समाप्त पार्टी के रूप में आप सबको देखने को मिलेगी। समाजवादी पार्टी बीजेपी के आरोपों पर समाजवादी पार्टी का पलटवार, कहा कुछ नामों को लेकर की जा रही है सियासत। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और वो जान रही है कि उसका सुपड़ा साफ होने जा रहा है। ये भाजपा जब सरकार में थी तो पिछड़ों का आरक्षण छीना, दलितों का आरक्षण छीना। बीजेपी पर फिर हमलावर हुए राकेश टिकैत, बोले 10 साल पुराना हो चुका है दंगों का मुद्दा, अब नहीं होगा फायदा। जो इंजन पुराना हो चुका है इनका 10 साल पुराना, वो तो अब एनजीटी ने बंद कर दिए। वो चलने वाला इनका इंजन था, वो एनजीटी ने बंद कर दिया। 10 साल पुराने इंजन तो डीजल से चलने वाले, उसे स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे। प्रयागराज के चंद्रशेखर आजाद पार्क में कवि सम्मेलन का आयोजन, आजादी के गीत की धुन पर बैंड की प्रस्तुति। शामली में गन्ना मंत्री सुरेश राणा का विरोध, गांव वालों ने दिखाए काले झंडे, बीजेपी नेताओं को गांव में नहीं घुसने देने का ऐलान। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों पर ली चुटकी, बोले कुछ जेल में है, कुछ बेल पर है। पटियाला में भगवंत मान ने काली माता मंदिर में टेका मत्था, जीत के लिए मांगा आशीर्वाद। चुनाव से पहले फ्री का सामान बांटने वाली पार्टियों और उम्मीदवारों की बढ़ सकती है मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग और केंद्र को भेजा नोटिस। मध्य प्रदेश में खुलकर सामने आई कांग्रेस की कलह, किसानों के सामने भिड़े दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, वीडियो हुआ वायरल। सम्राट अशोक को लेकर विवाद और सियासी विरोध, जेडीयू नेता ने वैशाली से पटना तक निकाली झांकी। हरियाणा पुलिस के एएसआई राजेश कुमार ने एक और बिछड़ी बच्ची को परिवार से मिलाया, अब तक 600 से ज्यादा लापता बच्चों को उनके परिवार से मिला चुके हैं राजेश। उत्तराखंड के मिनी चोपता में जमकर हो रही है बर्फबारी, पूरे इलाके में जमी बर्फ की सफेद चादर। औली में 5 दिनों की बर्फबारी के बाद सुहाना हुआ मौसम, पूरे इलाके में बिछी बर्फ की मोटी चादर सैलानियों का लगातार था। बर्फ से ढकी है उत्तराखंड के चकराता की पहाड़ियां, युद्ध स्तर पर चल रहा है साफ सफाई का काम। सालों बाद मुंबई को भी परेशान कर रही है सर्दी, शीतलहर की गिरफ्त में है देश की आर्थिक राजधानी मुंबई। दिल्ली में जारी है शीतलहर का कहर, ठंडी हवाओं ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल। शिमला में भारी बारिश के बीच बर्फबारी, तापमान में दर्ज की गई भारी गिरावट। हिमाचल के धर्मशाला में शीतलहर ने बढ़ाई ठंड, तापमान में आई गिरावट। हिमाचल के चंबा में भी जबरदस्त बर्फबारी, पालकी में निकली बारात। बारिश और बर्फबारी की वजह से रास्ते बंद, 3 से 4 फीट तक जमी थी बर्फ।
लगातार तीन दिन से बर्फबारी की वजह से रास्ते हैं बंद, जगह जगह पर फंसी है 150 से ज्यादा गाड़ियां। 27 जनवरी को एयर इंडिया को टाटा ग्रुप को सौंप सकती है सरकार, एयर इंडिया के फाइनेंस हेड ने कर्मचारियों को लेटर के जरिए दी जानकारी। 2026 तक भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन $300 अरब होने का अनुमान, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में चीन और वियतनाम से करेगा भारत मुकाबला। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में करीब 2 साल बाद खुले स्कूल, कोरोना के मामलों में कमी के बाद सरकार का फैसला। रूस बॉर्डर पर तैनाती के लिए हाई अलर्ट पर है अमेरिका के 8,500 सैनिक, नाटो ने भी फाइटर जेट्स युद्धपोत को रूस से लगती सीमाओं पर किया स्टैंड बाय। कोरोना की दहशत के बीच पेरिस में फैशन शो का आयोजन, मॉडल्स के साथ कई सितारों ने लिया हिस्सा।